गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है September 10 और day 27 ऑफ आर रोड ट्रिप फ्रॉम इंडिया टू लंदन। अलमाटी का अपार्टमेंट हमने खाली कर दिया है और अब हम निकलने वाले हैं ताशकंद, जो कि उज्बेकिस्तान में है। तो आज हम नया कंट्री एंटर करेंगे और मेरे ख्याल से अभी 7:15 बजे हैं, सिर्फ 15-20 मिनट में हम यहाँ से निकल जाएंगे। ऑलमोस्ट सब रेडी हो गए हैं, थोड़े बहुत लोग रेडी हो रहे हैं और मिलता हूँ मैं आपको अभी गाड़ी में बैठने के बाद और आपको आगे का कार्यक्रम बताता हूँ। अभी यहाँ बारिश हो रही है तो थोड़ा सा मेरे को कार में घुसना है। फाइनली हम अलमाटी शहर छोड़ रहे हैं। बाय बाय अलमाटी, सी यू। तो मैंने तो कल अपनी गाड़ी में डीजल भरवा लिया था, अभी बाकी 2 गाड़ियों में डीजल भरना है। तो इस समय हम 3 गाड़ियां हैं कॉन्वॉय में। एक हमारे ऑर्गेनाइजर रोहित की है, जो अब वापस आ गया था हमारे पास, शाम का भूला सुबह को घर लौट आया। ऐसे बोलते हैं, कुछ मुहावरा है। खैर, वो भूला ही नहीं था, हमारे को शायद मिसअंडरस्टैंडिंग रही, क्योंकि फर्स्ट डे वो कहीं चला गया था, लेकिन सेकेंड बाद में वो यहीं रुक रहा है। और एक मेरी गाड़ी है और एक पीछे मिस्टर शाह की गाड़ी है। बाकी कहाँ है मेरे को अभी आइडिया नहीं है, कुछ लोग तो पहले से निकल गए थे। अब मेरे को लेन चेंज करनी चाहिए, क्योंकि रोहित जी ने ऑलरेडी लेन चेंज कर ली है। तो लेकिन लेन क्यों चेंज की है? वॉकी बात करो। अरे आज का डिस्टेंस हमारा 800 किलोमीटर है। हमें जाना है ताशकंद, जो कि है उज्बेकिस्तान में। तो अलमाटी शहर में ट्रैफिक का बहुत ही बुरा हाल है। शुरू में मेरे को लग रहा था, अभी तो हम बाहर की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये सड़क खाली है। आप उधर देखो जरा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। और शहर के अंदर तो और बुरा हाल है। कल मैं जू से 16 किलोमीटर जब अपने रूम अपने अपार्टमेंट में आया था, तो मेरे को 2.5 घंटे लगे थे। जस्ट इमेजिन, 16 किलोमीटर के लिए 2.5 घंटे। अच्छा, मैं अपना ब्रेकफास्ट बताता हूँ। मैंने गाड़ी में पानी गर्म किया, क्योंकि सुबह टाइम नहीं था, हमें 6:30 निकलने का टाइम था। तो मैं उस हिसाब से 6:30 से पहले गाड़ी में आ गया था। तो मैंने उपमा का पैकेट खोला, इसके अंदर गर्म पानी डाला और इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया। थोड़ा सा इसमें पानी कम हो गया, ये हार्ड हो गया है, अब मैं इसको खा रहा हूँ। तो आज हम एक नए देश में एंटर करेंगे, उज्बेकिस्तान। दोस्तों, विश यू ए वेरी गुड डे एंड मिलता हूँ मैं आपको अब थोड़ी देर के बाद। पहले अब अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेता हूँ। ये मेरे बाकी 2 फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो एक बंदे ने गाड़ी चेंज कर ली है, अब वो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में आ गया है। फाइनली हम अलमाटी से बाहर आ गए हैं और अलमाटी को हमने कह दिया है अलविदा। और अब इंतज़ार है उज्बेकिस्तान में घुसने का, लेकिन उसके लिए अभी लंबा समय लगेगा, करीब करीब 10 घंटे। यहाँ से ऑलमोस्ट 770 किलोमीटर है। 800 किलोमीटर था हमारे अपार्टमेंट से, 31 किलोमीटर हम चल चुके हैं, तो इसलिए मैंने बोला 770 किलोमीटर हमें लगेंगे। और हाईवे बढ़िया है, स्थिति अलमाटी भी बहुत अच्छी थी, शुरू में मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी, अभी भी अच्छी है, लेकिन ट्रैफिक आपकी जान ले लेगा, लिटरली जान ले लेगा आपकी। ऑफिस के टाइम में आपको 10 किलोमीटर के लिए 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। तो यहाँ पे या तो आप 100% पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, उसमें भी बहुत भीड़ थी बसेज में मैंने देखा, लेकिन वही एक ऑप्शन समझ में आ रहा है कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट टैक्सी भी उतना ही समय लेगी जितना आपकी गाड़ी समय ले रही है। तो आप इतने नज़ारों का मज़ा लीजिए, और एक नया दिन और एक नया देश। आपके इंतज़ार में है। अलमाटी में डीजल का प्राइस है 295 कजाक करेंसी में, जो इंडियन करेंसी में आता है रफली 52 रुपीज पर लीटर। तो अलमाटी में डीजल सस्ता है, मेरे ख्याल से पूरा कजाक में ही डीजल सस्ता होगा। रशिया और उज्बेकिस्तान में डीजल का प्राइस आपको समय के साथ पता लग जाएगा। और पेट्रोल का रेट मैंने देखा नहीं, मेरे को मेन प्रॉब्लम आ रही है ट्रांसलेशन में, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। अगर मेरे फ़ोन में इंटरनेट नहीं चल रहा है तो मेरा गूगल ट्रांसलेटर भी काम नहीं कर रहा है, जबकि मैंने लैंग्वेजेस डाउनलोड की हुई है, कजाक भी की हुई है, उज्बेक भी की हुई है, रशियन भी की हुई है। तो कोई दोस्त मेरे को बता पाएगा कि कहाँ प्रॉब्लम है? मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ S24 Ultra, और दूसरा मेरे पास आईफोन है, उसके अंदर भी ट्रांसलेटर कैसे यूज़ करना है विदाउट इंटरनेट, प्लीज़ मेरे को थोड़ा आप कमेंट्स में बताएं, तो मेरा लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। क्योंकि इंटरनेट अभी जो मैंने सिम लिया था, पहले मैंने दिए थे 442 कजाक,
और उसका इंटरनेट चलते चलते बंद हो गया। अभी फिर जब डीजल ले रहे थे तो मैंने 4,000 पहले लिया था, 4,442 का सिम लिया था, उसने काम करना बंद कर दिया दो दिन के बाद। आज मैंने 4,000 कजाक का रिचार्ज कराया, फिर भी काम नहीं कर रहा था। वो लड़की रशियन थी, बहुत कोशिश कर ली, नहीं कर पाई, लेकिन मैंने फोन को रिस्टार्ट किया तो मेरा डेटा ऑन हो गया। तो लाइफ में, फोन में, लैपटॉप में और मेरे ख्याल से जिंदगी में हमें कभी कभी रिस्टार्ट करते रहना चाहिए चीजों को, तो सही चलती है, फिर आपका फोन भी सही चलता है और जिंदगी भी सही चलेगी। तो आप ट्रांसलेटर काम कर रहा है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि इंटरनेट ना हो तो भी आपका ट्रांसलेटर तो काम करे। आगे रोहित की गाड़ी जा रही है, फर्स्ट क्लास स्पीड से चल रहा है वो, और मेरे पीछे एक गाड़ी है। अभी हम तीन गाड़ियां हैं कॉन्वे में। आप करीब 51 किलोमीटर चल चुके हैं और बिल्कुल आप ट्रैफिक जीरो हो गया है। एक्सप्रेस वे बहुत मस्त है, लेफ्ट और राइट में पूरे मेडोज हैं ग्रीन कलर के, थोड़ा सा अभी ऑटम है तो उसमें येलोपन आ गया है। मौसम बहुत क्लाउडी है लेकिन अच्छा लग रहा है इस समय, ठंड भी नहीं लग रही है। हमारी हाइट है 816 मीटर और टेम्परेचर मैं अभी बताता हूँ, गाड़ी में ना देख के आपको अभी टेम्परेचर बताता हूँ कितना है। बीच में आ नहीं रहा है कहीं पे रीडिंग में, क्यों नहीं आ रहा है मालूम नहीं मेरे को। तो टेम्परेचर मतलब कंफर्टेबल है, आप टी शर्ट में आराम से या बहुत लाइट जैकेट में आप चल सकते हैं बाहर, गाड़ी का शीशा भी खोल सकते हैं। आप हाईवे का आनंद दीजिए, टू लेन हाईवे है, वन साइड पे टू लेन हाईवे, अदर साइड पे, और बीच में काफी बड़ा सेंट्रल कर्व है। और मेन तो है कि ट्रैफिक जीरो हो गया है। अब हमें ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर इसी हाईवे पे स्ट्रेट चलना है। हम जनरली वेस्ट की तरफ ड्राइव कर रहे हैं। हाईवे का और मजा आ रहा है इस समय, ट्रैफिक धीरे धीरे थिन आउट हो गया है और आप दोनों तरफ एक जेंटल हिल्स है, स्लोप है, इस पे चढ़ने का मजा आएगा। थोड़ा सा घूमने का टाइम नहीं है, नहीं तो गाड़ी को साइड में, यहाँ रोकने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप तो आप हाईवे के किनारे रोक के थोड़ा सा इनके ऊपर ट्रैक करके ऊपर जाके थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं तो मजा ज्यादा आएगा। लेकिन इस समय टारगेट है हमारे पास, ताशकंद पहुंचना है हमें, और जो कि करीब अभी 9 घंटे दूर है यहाँ से, वो भी नॉन स्टॉप। एक कंट्री साइड रोड भी मेरे को नजर आई अभी, और एक और आपको नजर आ रही होगी लेफ्ट में। तो सोलो का ये मजा होता है कि आप चाहें तो इधर उधर दाएं बाएं हो सकते हैं, आपको आगे पीछे इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि लोग कहाँ रह जाएंगे और वो और लोग डिले होंगे या नहीं। तो एक या दो गाड़ी का ये एक एडवांटेज है। तो जो बाद में करना चाहते हैं ऐसे रोड ट्रिप्स इंटरनेशनल, तो मेरी तो एडवाइस यही रहेगी कि एक या दो गाड़ी, और एक गाड़ी में एक बंदा तो नहीं, एक गाड़ी में कम से कम दो बंदे तो हो, दो तो चाहिए आपको। और दो गाड़ियां हो, दो लोग हो या दो गाड़ियां हो, तीन या चार लोग हो, वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, टू कार्स फोर पीपल, क्योंकि उसमें थोड़ा सपोर्ट भी रहेगा। सपोज किसी की गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है तो आप उसको खींच के लेके जा सकते हैं। और सिंगल गाड़ी जो लेके जा रहा है वो तो शेर है, एकदम दिलेर है, बहुत जबरदस्त उसके अंदर हिम्मत है, क्योंकि एक गाड़ी में बहुत सारे वेरिएबल्स आपके बढ़ जाएंगे, ब्रेक डाउन हो गया, आपकी तबीयत खराब हो जाए, आप रास्ता भटक जाए, आपका इंटरनेट काम ना करे, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। तो दो गाड़ी होने से या दो लोग होने से मॉरल सपोर्ट बना रहता है। बोलते नहीं हम हिंदी में एक और एक 11, तो जो भी अगर सोलो करता है विदाउट एनी हेल्प उसको हैट्स ऑफ, तो पूरी दुनिया के लिए जबरदस्त इंस्पिरेशन बनेगा। दोस्तों देखिए, जिसके लिए सेंट्रल एशिया जाना जाता है, सेंट्रल एशिया फेमस है ऐसे लैंडस्केप्स के लिए, सैकड़ों किलोमीटर तक आपको ऐसे ग्रीन मेडोज फ्लैट लैंड दिखेगा दोनों तरफ। अब हमारा जो मेन हाईवे है वो खत्म हो गया है, अब ये आ गई है कंट्री साइड रोड, इस पे भी चलाने में मजा आएगा। अब बीच का वो जो सेंट्रल कर्व था ना वो भी खत्म हो गया है,
तो बस एक लेन जाने की है, एक लेन आने की है। जो मेरे दोस्त कार कैंपिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, उनके लिए तो ये जन्नत है। अगर यहाँ कार कैंपिंग अलाउड है, वैसे आप किसी कंट्री साइड पर रोड पे निकल जाओ, फिर वहां तो आप कर ही सकते हो। मौसम परफेक्ट है इस समय, 10 सितंबर है। रात को ठंड हो जाएगी, दिन में आपके लिए प्लेजेंट रहेगा। धूप खिली हुई है, आप धीरे धीरे बादल छट रहे हैं। अब ट्रक्स वाला ट्रैफिक भी शुरू हो गया है। किसी को आइडिया है उज्बेकिस्तान बॉर्डर कितना है, कहाँ से हम एंटर करेंगे? हाँ जी, पीछे बाबू राम जी, नहीं। आपको आइडिया है? दोस्त, हम लोग चले जा रहे हैं बस ताशकंद का गूगल मैप लगा के। अभी हमें ये मालूम नहीं है कि उज्बेकिस्तान कितने किलोमीटर के बाद एंटर करेंगे और उस बॉर्डर पोस्ट का नाम क्या है। अभी ये स्काई देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, ब्लू और उसके अंदर व्हाइट बादल। अब सड़क उतनी सही नहीं रह गई है, बीच में खड्डे वड्डे हैं जो रिपेयर किए हुए हैं, उसके कारण गाड़ी थोड़ी सी हिल रही है। Congratulations भैया, अरे रामा, ब्रेक मार दी इसने कस के आगे। तो हमारे पहले 100 किलोमीटर हो गए हैं। ये दो ट्रक्स को मैंने ओवरटेक किया। अभी इस समय मैं आगे नहीं निकल रहा हूं, मैं कैप्टन की गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा हूं, क्योंकि हम लोगों की स्पीड चल रही है ठीक ठाक और ज्यादा तेज चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब सड़क जो हमारे इंडियन हाईवेज हैं उससे खराब है। और अभी अभी तीन गाड़ियां बहुत गंदे तरीके से ओवरटेक करके गई हैं। मेरी गाड़ी को तो ऑलमोस्ट स्क्रेप कर देते हैं, रोहित की गाड़ी को भी स्क्रेप कर देते हैं। उसको मैंने पीछे वॉकी टॉकी से बोला, भाई जल्दी से राइट हो जाओ, इनको जगह दे दो। बहुत चार गाड़ियां बहुत एग्रेसिवली भगा रहे थे वो 140 की स्पीड पे। सौ किलोमीटर हम चल चुके हैं अलमाटी से और समय हुआ है 10:20, 7:30 बजे हम चले थे, तो तकरीबन 2 घंटे में हमारा 3 घंटे में हमारा 200 किलोमीटर हुआ है, जिसमें करीब आधे से पौना घंटा हमने डीजल जब भरवाया था और थोड़ा बहुत उधर कुछ कॉफी वगैरह पी थी उसमें लगा, तो कंटिन्यूसली 100 के ऊपर हम चल रहे हैं। और लेफ्ट साइड पे काफी यहाँ पे भेड़े हैं। यहाँ की भेड़ों का डिजाइन थोड़ा सा अलग है, साइज बड़ा है। तो पीछे उनका रखवाला घोड़े पे, घोड़े वाले के साथ 3 कुत्ते, वो जो मूवीज में देखते हैं ना एकदम वैसे ही। तो एक हॉर्स राइडर है, उसके साथ आगे पीछे 3 कुत्ते हैं और आगे बहुत सारे उसके मवेशी चल रहे हैं, उसमें भेड़े ही हैं। हाईवे का मजा लीजिए। आज फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम जा रहे हैं ताशकंद, एक नए देश में, एक नए शहर में। देश का नाम है उज्बेकिस्तान। तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई। ये थोड़ा सा 30 सेकंड्स का स्टॉप लिया है। तो ये घोड़े हैं, सबके पैर बंधे हुए हैं, ज्यादा भाग नहीं सकते। यहाँ पीछे और मवेशी हैं, सारे भेड़े हैं, वो एक साथ झुंड बना के रेस्ट कर रही हैं। तो ये हाईवे भी अच्छा है। दोपहर के 12 बजे हैं, हमने 380 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया आउट ऑफ। अब हम लोगों ने लंच के लिए स्टॉप लिया है और पानी गरम कर रहे हैं, क्योंकि पहले जाइलो के अंदर बड़ा वाला सिस्टम था, वहां फटाफट पानी गरम हो जाता था। आज शाह साहब की गाड़ी ने सबके लिए पानी गरम कर रहे हैं। और ये पानी गरम होने के बाद, नहीं पानी क्या, पानी के अंदर सीधा वो डाल दिया है पोहा। तो ये पोहा का लंच होने वाला है, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी लोगों ने नहीं किया। मैंने तो अपनी गाड़ी में पहले ही गर्म पानी डाल के उपमा बना के खा लिया था। और एक सबसे बढ़िया चीज मैं बताता हूँ, स्वाति जी खुद आपको बताएंगी। स्वाति जी, ये अपने पराठों का राज बताइए सबको।
और आप बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपको ना हर कैंपिंग में भी काम आएगा। ये आपको जो पसंद है वो पराठे आप बना लो, चाहे आलू पराठा हो, चाहे सादी रोटी हो, चाहे मेथी रोटी हो। आपको वैक्यूम कराने के लिए शॉप अवेलेबल हो रहती है, इनका चार्जेस थोड़ा हाई रहता है, लेकिन जब इंडिया के बाहर रहते हैं तो वही अपना घर का खाना मिले उससे ज्यादा बढ़िया बात क्या हुई। तो हम लोग ने वही वैक्यूम वाला किया है और फिलहाल हम लोग खा रहे हैं। और तो आपने कितने पराठे बनाए टोटल? मैंने तवा पराठे, फिर पनीर पराठा, फिर थेपला करके थोड़ा थोड़ा, मतलब 20-20 नंग ऐसे करके। तो इसका तो 60 तो हो गए, 60 तो हो गए, 60 तो हो गए। तो ये सारे आपने खुद बनाए और बाद में वैक्यूम पैक कराया, तो एक पैकेट में कितने डाले? मतलब मैंने वो मतलब ऐसे तो हाँ चलो नहीं, डोमेस्टिक हेल्प तो होता है। और एक पैकेट में कितने डाले? वो वॉल्यूम पे रहता है, अगर पराठे स्टफ पराठे है तो 3 आ जाते हैं। ओके, और प्लेन है और अगर सादी रोटी रही तो 6 तक जाते। तो अभी आप बता सकते हैं अप्रोक्सीमेटली कितने दिन पहले ये वैक्यूम पैक हुए थे? ऑलमोस्ट 1 मंथ। तो इसका मतलब हम ये हम मान के चल सकते हैं कि 30 से 40 दिन तो इनकी सेल्फ लाइफ है। तो अभी आपको क्या लगता है कितने कितने और दिन चला पाओगे आप इनको बिना खराब हुए? हम लोग का तो ये है कि थेपला जैसे है तो उसको मैं हमने पीछे रखा है, तो वो 2 महीने तक चलेगा। और ये पराठे पराठे वगैरह है वो ये बस अभी खत्म कर लेंगे 2-3 दिन में। अच्छा, तो मतलब मान के चलो कि 40 डेज के लिए तो है ही। तो अगर इसको इस नजरिए से देखा जाए कि हम इंडिया में कैंपिंग कर रहे हैं, दिल्ली से हम चले लेह लद्दाख हिमाचल उत्तराखंड, तो वो हमारा बहुत ज्यादा खींचोगे 20-25 दिन का होगा, 1 महीने का होगा। तो उसमें अगर हम ये दिल्ली से करके चले हैं तो 1 महीने तक आपको रोटी पराठा ऑन द गो मिलता जाएगा, है ना? तो अभी रोहित जी इसको टेस्ट करके बताएंगे। रोहित जी आप मेरे को ये पराठे के बारे में टेस्ट करके बताओ ये कैसा लगा आपको। और इन्होंने अभी टोमेटो केचप खोल ली है, ये छोटी वाली जो मिलती है ना रेस्टोरेंट में, हम उठा के जेब में डाल के ले आते हैं, ये वही वाले पैकेट है। नहीं हम जेब में नहीं डालते हैं। उसमें उसमें जेब में डाल के लाने में कोई हर्ज भी नहीं है, वो जब देते हैं तो उसमें कौन सी बुरी बात है, खाने के लिए देते हैं। हाँ तो नहीं, अगर हमने वहाँ खाई तो 2 हमने जेब में भी रख ली तो क्या फर्क पड़ता है। चलो अब ये एक्स्ट्रा नहीं देता है। हाँ रोहित जी अब ये खा के बता रहे हैं। कोई भी ब्रांडेड शॉप। हाँ जी टेस्ट कैसा है? सब लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने मुंडी मुंडी की डायरेक्शन से पता लग गया था। मिल जाए तो हाँ, मेरे तो पूछा नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा बेशरम होके खुद भी टेस्ट कर लेता हूँ देख के। एक टुकड़ा मैं भी टेस्ट करके देख लेता हूँ। कौन शर्मा? डेफिनेटली बहुत अच्छी है। हम आलू का पराठा भी बना सकते हैं। वो वैक्यूम एक बार हो गया तो 1 महीने। तो दोस्तों ये देखो आपके लिए बहुत जबरदस्त महीना, अगर ठंडे डिस्कवरी खोज हो गई है तो जितने कार कैंपिंग करते हैं 1-1 महीने तक के लिए उनके पास अब रेडी सप्लाई है पराठों की। कॉस्टिंग की बात छोड़ो, आपको खाना मिल रहा है वो बहुत बड़ी बात है। दोपहर के अब बजे हैं 2 और हम चल चुके हैं 510 किलोमीटर और अभी तक एक्सप्रेसवे चल रहा है लेकिन अब ये छोटा हो गया है, 4 लेन से 2 लेन का हो गया है और हम शायद अब उज्बेकिस्तान बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो वाला जो हाईवे था वो शायद डायरेक्ट रशिया जा रहा था और ये वाला अब जा रहा है नीचे साउथ की तरफ, मतलब उज्बेकिस्तान की तरफ। तो अभी कुछ समय में आइडिया लगेगा कहाँ हम जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के नाम ना एक बार सुनने के बाद फिर याद नहीं रहते हैं जब तक ब्लॉग में बोलने की बारी आती है। अब एक बोर्ड आ रहा है, इसको पढ़ के मैं बताता हूँ आपको। हम जा रहे हैं SHYM कैंट, शाइम कैंट 162 किलोमीटर, वो शायद बॉर्डर पोस्ट है शाइम कैंट। तो अभी ये देखो सामने नीला बोर्ड आया था तो मैं आपको बता पाया, तो 162 किलोमीटर। तो अभी हम चले हैं 610 किलोमीटर, जब हमारा रीडिंग आ जाएगी ओडोमीटर की तो हम उज्बेकिस्तान में घुस जाएंगे। उसके बाद 672, फिर करीब 125 किलोमीटर पे फिर ताशकंद आना चाहिए, क्योंकि आलमाटी से ताशकंद का डिस्टेंस 800 किलोमीटर दिखाया था। 662-665 बॉर्डर हो गया बैलेंस उज्बेकिस्तान के अंदर घुसने के बाद ताशकंद तक। यस क्लियर टू गो।
तो अभी दो लेन में है, ओवरटेकिंग करते हुए ध्यान रखना पड़ता है। अभी तो ट्रैफिक थोड़ा कम हो गया है। ये पूरा फ्लैट लैंड है और दोनों तरफ ग्रासी मेडोज है। ये अभी थोड़े येलो होने शुरू हो गए हैं क्योंकि ऑटम चल रहा है। पता नहीं अब यहाँ बारिश होती है या नहीं होती है, ज़्यादा होती है या कम होती है, लेकिन मेरे को लगता है बर्फ़ तो पड़ती है खूब, क्योंकि जितने भी लोकल घर देखे सबकी छतें स्लोप में है। तो अभी जो फ्यूल पंप आएगा उधर मैं आपको डीजल के रेट वगैरह फिजिकली भी मैं दिखाऊंगा आपको कैमरे के माध्यम से। अब हम डीजल के लिए रुके और देखो पहली बारी मैंने इंग्लिश में डीजल पढ़ा है, मेरे चेहरे पे इतनी स्माइल आ गई है। नहीं तो यहाँ टायो और ये सब इसी में टेंशन रहती थी कि साले डीजल की जगह पेट्रोल तो ना डाल दिया जाए। मैं आपको रेट दिखाता हूँ, अभी अलमाटी में 295 था, यहाँ पे भी सेम रेट है, ये देखिए 295 कजाक करेंसी में। इसको 5.7 से डिवाइड करोगे 51 और 52 के बीच में आएगा। ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है और ये डीजल डलेगा भी इसके अंदर, क्योंकि हम करीब 550 किलोमीटर तो चली चुके हैं सुबह से। और ये गाड़ी देखिए आप, हाइलेक्स वैसे बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है अभी तक, कोई इतने एक मिनट। अरे सारे लोग वहाँ चले गए, डीजल कौन डलवाएगा? अच्छा वहाँ पहले जाना पड़ेगा। यार देखो हिंदुस्तान में डीजल डलवाना कितना बढ़िया होता है यार, वहाँ पे लोग खड़े होते हैं और आप फटाफट डीजल डालते हैं और आपसे पैसे ले लेते हैं। यहाँ पहले गाड़ी खड़ी करनी है, शायद आपको खुद डालना पड़ेगा, नहीं बंदा तो आ रहा है वो, और पहले आपको पेमेंट करनी है फिर डीजल डलेगा। पर ये हमारे मुरली सर है, हमारे ग्रुप के सबसे सीनियर और एक्सपीरियंस पर्सन, ये उनकी डॉटर है ना, प्रेरणा है ये। तो अब देखते हैं ये, देखो अरे यार यहाँ एड ब्लू भी मिल रहा है, तो क्या मेरे पास है? हाँ एड ब्लू डलना पड़ता है ना BS6 इंजन डीजल में, ये एग्जॉस्ट का फ्यूम्स कम करता है। तो काफी बड़ा गैस स्टेशन है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और वो आ भी गया डालने के लिए। हम तो अपनी गाड़ी खड़ी करके यहाँ आ गए और गाड़ी अनमैंड है, ये तो यहाँ सही है, यूरोप ही नहीं ऐसे छोड़ सकते, ताला भी नहीं लगाया मैं इसका ना रिमोट से, सॉरी मेरी उंगली बीच में आ गई थी, रिमोट से कम गाड़ी का ताला तो लगा दूं, क्योंकि वहाँ पे पर्स भी वहीं रखा है और पर्स के अंदर पासपोर्ट भी है और कार्ड्स भी हैं सारे। अब ये देखो ये स्टोर भी अच्छा है यहाँ पे ना, हर जगह यार मेरे को शॉपिंग करने का मन कर जाता है, थोड़ा बहुत ले लो कुछ। तो अभी मैं आपको जैकेट दिखाता हूँ जो कल मैंने लेदर की ली है। ये हमारे संजय जी ने कल को लेदर की एक जैकेट ली है, बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। मतलब ये इन्होंने ये जैकेट कल अलमाटी से ली थी और बहुत ही सुंदर जैकेट लग रही है। अब इसमें कितना वार्म है, कितना इनको फील गुड दे रहा है, तो ये वो ही बता पाएंगे, लेकिन ये देखने में बहुत अच्छी लग रही है। हल्की ठंड के लिए फिटिंग भी बड़ी अच्छी है, फिटिंग भी बहुत अच्छी है, राइट, कलर भी ब्राइट कलर है, तो संजय जी पे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको इसकी प्राइस शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए छुपाने के लिए ऐसा कुछ नहीं, ये मेरे को मिली है $250 में, $250 रफली 22,000 इंडियन करेंसी में, 22,000 it is costly नहीं, लेकिन अच्छी चीज के लिए पैसा देना पड़ता है, नहीं बट इट इज कॉस्टली, लेकिन इसका MRP तो $500 था, 50% डिस्काउंट। ओके पहले 30 था, इसका इसका ब्रांड क्या है? ब्रांड समझ में नहीं आया, कोई रशियन ब्रांड, रशियन ब्रांड मेरे पास है इसका, इसका संजय जी के पास काफी ब्रांड है, लेकिन रशियन ब्रांड नहीं था शायद, इसलिए इन्होंने रशियन ब्रांड चूज करा है। वर्ल्ड स्टेप और ये इसका MRP था, ये कुछ डिस्काउंट था, फिर ओनर ने मेरे को स्पेशल डिस्काउंट भी दे दिया, तो उसने कजाक में मुझसे लिया 121 फॉलोड बाय 30s। तो दोस्तों ये मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि मेरे को छुपाने का कुछ नहीं है, मेरा सारा ही व्हाइट मनी है। नहीं 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 नहीं, छुपाने वाली कोई बात नहीं है, व्हाइट मनी एक रुपया भी नहीं है, तो इसलिए मेरे को कोई डर नहीं होता है, मैं सारे प्राइस सारा खट्टा शेयर कर रखा हूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा संजय जी, लेकिन ये आप पे बन रही है, आई मस्ट से ये आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। मैं आपको पिछले 12-10 साल से जानता हूँ, लेकिन गुड, मेरे को फिटिंग अच्छी लगी, फिटिंग अच्छी है, नहीं नहीं कलर आपको कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। आप कैपीचिनो और अदर कॉफीज भी ले सकते हैं, तो ये अच्छा है पेट्रोल पंप पे ना, ये बहुत बढ़िया सिस्टम लगा। अभी मैंने पिछले पेट्रोल पंप पे रिचार्ज भी करा लिया था अपना फोन, क्योंकि मेरा कार्ड चल नहीं रहा था, तो जो लड़की वहाँ खड़ी थी ना उसको रिक्वेस्ट किया, उसको मैंने 4,000
कजाक करेंसी दे दी और उसने अपने सिस्टम से अपने फ़ोन से मेरा फ़ोन नंबर रिचार्ज कर दिया, नहीं तो अभी मेरा इंटरनेट भी नहीं चल रहा था। और ये देखिए यहाँ पे कौन कौन से ड्रिंक्स हैं, ये एनर्जी ड्रिंक्स ज़्यादा हैं, ये जो लोगों को नींद आती है ना लंबा सफ़र करते हुए वो लोग पी सकते हैं। ये क्या चीज़ है, ओके प्रीमियम ड्रिंकिंग वाटर। और ये कुछ गाड़ी से संबंधित सामान है, ये देखिए आपको डीजल वीजल एक्स्ट्रा रखने के लिए जंपिंग केबल्स बोलते हैं, कुछ टूल्स है, पानी है, और ये कुछ ऑयल्स वगैरह है। एंटी फ्रीज है, एंटी फ्रीज हमें चाहिएगा नहीं क्योंकि ये हाईलेक्स जो है ना -10 तक तो टेस्टेड है, तो मेरे को लगता नहीं कि हम -10 से कहीं नीचे जाएंगे, तो एंटी फ्रीज लेने की जरूरत नहीं है, गाड़ी में वैसे ही सामान रखने की जगह नहीं है। तो ये यहाँ कुछ बिस्किट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, तो ये सब मैंने आपके साथ शेयर किया आपको दिखाने के लिए कि पेट्रोल पंप भी कितना बढ़िया ऑर्गेनाइज्ड है। और अभी तक बाहर कोई फ्यूल डलवाने नहीं गया है, हम सब लोग यही हैं, क्या कर रहे हैं उधर, क्योंकि मेरे पार्टनर्स फ्यूल डलवा रहे हैं, वो लाइन में लगे हुए हैं पेमेंट करने के लिए, और मैं इधर यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। यहाँ केबल्स वगैरह भी है। अच्छा, ये गाड़ी में ना आपको नंबर डालने के लिए है, ये मेरे को सही लगता है, कई बार हम पार्क करके चले जाते हैं और फिर किसी को आना हो तो उसको मुश्किल हो जाती है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको ले लेता हूँ, इसमें अपना एटलीस्ट इंडिया में काम आ सकता है। अरे हाँ, ये टेप लेना बहुत ज़रूरी है। ये टेप है क्या है, नहीं ये तो फोम टेप है, 3M टेप है, इसकी जरूरत नहीं है। मेरे को लगा कि वो स्टिकी वाली टेप है, स्ट्रॉन्ग वाली, क्योंकि वो हमारी थी, ख़त्म हो गई है। देखता हूँ, केबल्स वगैरह हैं। चलिए, मैंने आपको स्टोर दिखा दिया है और मेरे ख्याल से डीजल की पेमेंट भी हो गई है। जैन साहब, डीजल की पेमेंट हो गई है, पहले डीजल डलेगा या पहले पेमेंट होगा पूछना पड़ेगा। रोहित जी, पहले डीजल होगा या पहले पेमेंट होगा? पहले डीजल होगा फिर पेमेंट होगा। तो फिर वहाँ तो कोई है ही नहीं गाड़ी में डीजल डलवाने के लिए, हम सारे अंदर आ गए। वो यहाँ से बोलते हैं ना फुल टाइम। अच्छा, तो तुम्हारा भरने लग गया है शायद, मैं देखूं। हाँ, तुम्हारे तो मैं जाके गाड़ी का वो तो खोल दूं फिर, तो मेरे लिए भी करवा दो फिर, मैं जाके वो खोल के आता हूँ बाहर ना। ये लेना है आपको सिगरेट लाइटर, अच्छा लग रहा है देखने में। हेलो, सो दीज गाइज आर लुकिंग एट मी। अच्छा, डीजल का काम हो गया, कुप आई कैन ऑल्सो हैव ए कैपुचिनो स्मॉल। हाँ करो, मैं इतने भार डीजल का काम करता हूँ, मेरे लिए कैपुचिनो कर दो। हाँ, भरा कहाँ है, वो तो बंद है गाड़ी। अरे यार, मैं गाड़ी बंद करके आया हूँ। अच्छा, वो खुला हुआ था क्या टैंक? अच्छा, मैंने क्यों, नहीं नहीं देखो, हम सारे लोग बाहर आ गए थे और मेरा पर्स मेरा पासपोर्ट अंदर है, तो मैंने यहाँ से रिमोट से बंद कर दिया था। पक्का है? चलो ठीक है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि हमारी गाड़ी में डीजल भरा है या नहीं भरा है, तो अभी मैं थोड़ा सा ना, मेरे को भी खुजली होती है शॉपिंग करने की। कल देखो मैंने ये लेदर की जैकेट, फालतू में मैं शॉप में घुस नहीं रहा था, बारिश के चक्कर में घुस गया और इतना खर्चा हो गया, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि अच्छा है। आप लोग बताएंगे जैकेट कैसी लग रही है, तो मेरे को पता लगेगा कि मैंने गलत डिसीजन तो नहीं लिया। ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये टायर का कीचेन बनाया हुआ है। ये हमारा आज का डीजल डाला है 46.07 और कजाक में करेंसी 13591 और 295 रुपीज का, नहीं 295 इसका रेट है। You speed up, I will take him from the front. अभी शाम के 4 बज गए हैं और हमने 640 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया है। मेरे ख्याल से अगले 30 किलोमीटर में हम बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। बॉर्डर का नाम जैसे पहले बताया था मैंने, स्काई एम कैंट, द SKYMKENT, स्काइम स्काइम कैसे भी प्रोनाउंस करेंगे, शिमकेंट, यार मुझसे नहीं प्रोनाउंस हो रहा है, स्पेलिंग बता दी है मैंने आपको, SHYMKENT शिमकेंट। और उसके बाद ये भैया वाइपर तो बंद कर दो, ड्राइव में वाइपर चलाया हुआ है। ये शिमकेंट शहर आ गया है, पहले मैं सोचा था शिमकेंट से शिमकेंट बॉर्डर पोस्ट है, बॉर्डर पोस्ट नहीं है। अब मैंने गूगल मैप में देखा, अभी बॉर्डर 130 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और बॉर्डर के बाद ताशकंद तो अनदर 30 किलोमीटर्स में आ जाएगा, तो अभी 2 घंटे से ज़्यादा दिखा रहा है बॉर्डर पे पहुँचने के लिए।
तो पहली वाली इन्फॉर्मेशन गलत निकली कि शाइमकेंट बॉर्डर पोस्ट है, वो ऐसा नहीं है। बॉर्डर का नाम अभी तक मैं समझ नहीं पाया गूगल मैप से, तो मैंने पिन ड्रॉप किया बॉर्डर को फिजिकली देख के, तो वो 130 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। आगे जाके ना हमें सडनली एक लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा और बॉर्डर आ जाएगा। तो ये शहर देख लीजिए आप। तो रोहित इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ध्यान से चलाइए, बहुत पुलिस है जगह जगह पे। अभी एक पुलिस वाले ने स्कूटर वाले को रोका भी हुआ था, उसकी चेकिंग कर रहा था वो। जनरली मैं देख रहा हूँ कि ट्रैफिक के लिए यहाँ जीरो टॉलरेंस है। अगर आप कुछ भी गलत करते हैं फट से पकड़े जा सकते हो आप। शायद यूरोप में भी ऐसा ही होगा। शिमकेंट शहर काफी बड़ा है, हम ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया शहर के अंदर ही हैं। अब शायद हम धीरे धीरे शहर के बाहर निकल रहे हैं। ये शायद अल्माटी के बाद दूसरा बड़ा शहर होगा। काफी सुंदर है ये शहर भी और ट्रैफिक भी यहाँ भी बहुत है। शाम का समय 7:15 और हम पहुंच गए हैं कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे। तो पहले हमें चेकआउट होना पड़ेगा, जैसे होटल से चेकआउट होते हैं कजाक से चेकआउट होना पड़ेगा, और फिर हमें इनपुट करना पड़ेगा, चेक इन करना पड़ेगा उज्बेकिस्तान। तो एंट्री आसान है जैसे हमने पहले देखा था, एग्जिट में टाइम लगता है। तो अब थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी कि कैसे एग्जिट करना है, क्योंकि हम तीन गाड़ियां हैं, अभी किसी को आइडिया नहीं है। तो अभी देखते हैं हम। ओके, तो अब कहाँ जाना है, रोहित किधर है? चलो, मैंने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं। अभी ये नहीं आइडिया लग रहा है कि इनका ऑफिस है कहाँ, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मेरा फ़ोन दूसरा गाड़ी में तो नहीं रह गया है? ये क्या है, ये तो रेस्टोरेंट्स लग रहे हैं। तो आज मज़ा आएगा क्योंकि हम कुछ सीखने को मिलेगा। अब हमें अपने आप करना है, क्योंकि जब हमने चाइना से एग्जिट किया था, फ़ोन निकाल लेता हूँ गाड़ी में से, जब चाइना से हमने एग्जिट किया था तो वहाँ चाइनीज शेलॉन थी हमारे साथ, तो उसने हमें हेल्प किया था। और कजाकिस्तान में घुसने में कोई टेंशन नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली होता चला जाता है। तो एग्जिट में है, अभी वहाँ क्यों जा रहे हैं, तो लेट अस सी। तो अभी दो लोग उधर जा रहे हैं, मैं भी पता करता हूँ, क्योंकि मैं भी चाहूँगा कि ये इंडिपेंडेंटली मैं मैनेज कर सकूँ कजाकिस्तान से एग्जिट का। तो क्योंकि इसका हमारे पास कोई इनपुट भी नहीं है, इससे पहले जो लोग गए थे वो किर्गिस्तान गए थे, और उनमें से कोई भी YouTube पे वीडियो नहीं डाल रहा है, तो इसलिए हमें पता नहीं है कि जब वो उन्होंने कजाकिस्तान से निकले थे तो कौन से ऑफिस में गए थे। खैर, वो सड़क भी अलग थी, पॉइंट बॉर्डर टाउन भी अलग था। ये देखो बहुत सारे ऊँट खड़े हैं यहाँ पे। तो कहाँ जाना है कोई आइडिया नहीं है। ये सामने वाली बिल्डिंग लग रही है मेरे को। आपको मुरली सर कुछ आइडिया है कहाँ जाना है? तो आप वैसे आगे आगे इतनी जल्दी वीडियो बनाने के लिए? अरे रामा, मैं सोच रहा था कि इनको कुछ पता है, ये फटाफट जा रहे हैं, मैं इनके पीछे आ गया। तो आप कहाँ जाना है फिर, कुछ आइडिया नहीं है? जीरो। वी विल फाइंड आउट समबडी। हाँ, वी विल फाइंड आउट, बट आई केम बिहाइंड यू। विल एक्सप्लोर। हाँ, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू लर्न, दैट इज फाइन, बट आई केम बिहाइंड यू, आई थॉट यू नो समथिंग। तो अभी कोई आइडिया नहीं है दोस्तों, अभी देखते हैं कहाँ जाना है हमें, क्योंकि ये भी नहीं पता लग रहा कि कौन ऑफिस कौन सा है, क्योंकि इनकी भाषा हमें समझ में नहीं आती। तो पहले तो ये ढूंढना है कि इनका चेकआउट वाला पॉइंट किधर है, इमिग्रेशन वाला। तो कहाँ पे पता लगेगा, यहाँ तो अभी मेरे को लगता है यहाँ आगे जाना है, हम पहले रुक गए हैं। तो अभी रोहित वहाँ किसी से बात कर रहा है, मैं भी चलता हूँ उधर उसके पास। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम पहले रुक गए शायद। रोहित, कोई आइडिया लग रहा है किधर जाना है? देखो, एक मिडलमैन मिल गया है, $100 मांग रहे हैं सबके, और कहते हैं मैं फटाफट आपको यहाँ से एग्जिट करा दूंगा। अब सोचने की बात है कि हम खुद करें, मेरे ख्याल से तो एक्सपीरियंस के लिए हम खुद करते हैं। लेट्स ट्राई, अगर नहीं होगा तो फिर इससे बात करेंगे। दोस्तों, हम 7 बजे कजाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुंचे,
और आपको वहाँ टाउट्स मिलेंगे जो आपसे पैसा मांगेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा गेट पे घुस जाओ, जो वहाँ का गेट है वो आपके लिए गाड़ी के लिए गेट खोल देगा। वो एक छोटी सी स्लिप देगा, उसके ऊपर गाड़ी का नंबर लिखेगा, उसमें गाड़ी में कितने बंदे हैं, 3 बंदे हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाओगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड पे आप गाड़ी रोक लेना, वहाँ इमिग्रेशन काउंटर है, एक छोटा सा स्टैंड अलोन है, वहाँ गाड़ी रोक के आप सड़क क्रॉस करके अपने लेफ्ट साइड पे जाओगे, वहाँ एक बिल्डिंग है, उसके अंदर जाके वो पेपर आप दे दोगे जो कजाकिस्तान से एंट्री पे आपको मिला था। वो पेपर लेने के बाद वहाँ एक लेडी बैठी है, वो जो छोटी सी स्लिप मिली थी जिसमें 3 लोग और गाड़ी का नंबर लिखा था, उसके पीछे वो स्टार सा स्टैम्प मार देगी, वो स्टैंप लगवा के वो पेपर वो रख लेगी। आप वापस राइट साइड वाले इमिग्रेशन काउंटर पे आ जाइए, जब वो छोटी सी स्लिप आप राइट साइड वाले काउंटर पे देंगे उसके बाद आप आरसी देंगे, वो काफी देर तक आरसी में सारी डिटेल्स एड एंटर करेगा, फिर आपको एंटर करने के बाद आपकी आरसी आपको वापस कर देगा, उसको स्कैन भी करेगा, आपका पासपोर्ट भी स्कैन करेगा, आपकी फोटो भी लेगा और उसके बाद वो पासपोर्ट पे एग्जिट की वो लगा देगा स्टैम्प ग्रीन कलर की, जैसे एंट्री की लगी थी कजाकिस्तान में उसी के बगल में आप लगवा लीजिए, और वो स्लिप पे भी लगा देगा ग्रीन कलर की स्टैम्प। उसको लेके आप 2 कदम 5 कदम आगे बढ़ेंगे तो एक और बैरियर आएगा, वहाँ पुलिस वाला आपसे वो वाली स्लिप ले लेगा, 3 लोगों के उसने पासपोर्ट चेक किए और वो छोटी सी स्लिप जो सबसे पहले गेट पे मिली थी जिसके ऊपर पहले ब्लू कलर की स्टैंप लगाई थी एक लेडी ने और फिर बाद में इमिग्रेशन वाले ने ग्रीन कलर की स्टैंप लगाई थी, वो वाला कागज लेके आपको बोलेगा आप आगे जाओ, दफा हो जाओ हमारी कंट्री से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, उनके पास एक बहुत ही स्वीट डॉग था, क्या खतरनाक डॉग था, मतलब देखने में बहुत स्वीट था, बहुत ही वेल मैनर्ड था, वो पूरा गाड़ी के डाले में मेरे चढ़ा, डाला मेरे को खोलना पड़ा और फिर गाड़ी के छत के ऊपर चला, सब सूंघ सांग के, हमारे को भी सबको सूंघा, गाड़ी के अंदर भी घुस गया, आगे की सीट पे पीछे की सीट पे सूंघ सांग के वो बाहर निकल गया, बस इतना ही। और उन्होंने हमसे पूछा कोई आप लिकर या कॉग्नियाक या ड्रग्स तो नहीं लेके जा रहे हैं, तो हमने बोला नहीं हम कुछ नहीं लेके जा रहे हैं, उनको समझ में आया नहीं आया लेकिन हमने बोल दिया हम कुछ नहीं लेके जा रहे हैं, लेकिन वो डॉग हाईलाइट ऑफ द शो था, मैं डॉग की फोटो लेना चाहता था, बोले मत लो। और अब हम सामने खड़े हैं, ये जो गेट नजर आ रहा है ना, अभी हम नोमेंस लैंड में, अब हम उज्बेकिस्तान में घुसेंगे, तो पूरे प्रोसेस में हमारे को मैक्सिमम 20 मिनट्स लगे और वो जो टाउट इसी काम के लिए $100 मांग रहा था, तो अभी कुछ लोगों का देने का मन भी था लेकिन मैंने कहा नहीं यार, एक्सपीरियंस के लिए खुद करते हैं, करेंगे जब ही तो सीखेंगे। तो ये बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस था, ना हमारा कोई सामान बाहर निकालना पड़ा कुछ, कुत्ते ने सारा काम कर दिया 1 मिनट के अंदर, सबको भी सूंघा, गाड़ी को भी सूंघा, डाले को भी सूंघा, छत को भी सूंघा, और कुत्ता मेरे को साथ लेके जाना है यार, कैसे मिलेगा, वेरी नाइस डॉग। चलिए अब हम उज्बेकिस्तान में घुस रहे हैं, आगे मेरे 2-3 गाड़ियां हैं, वो जैसे फ्री होंगी हम अंदर घुसेंगे। अब उज्बेकिस्तान में क्या होगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊं, फटाफट मैं आपको दिखा रहा हूं चेक पोस्ट, यहीं से इसी गेट से हम एंटर करें उज्बेकिस्तान की तरफ। कजाकिस्तान से फ्री होने के बाद उज्बेकिस्तान में घुसे और जो शुरू में पुलिस वाला था पहले गेट पे, उसने ये ऐसा छोटा सा स्लिप दे दिया, रफ कागज लग रहा है, पीछे रफ कागज है, यहाँ 3 खाने बने हैं, इसको लेके फिर मैं साइड पे ऑफिस है ना इधर गया, तो यहाँ उसने गाड़ी की आरसी से डिटेल्स लिया और मेरा वीसा देखा, पासपोर्ट देखा और कुछ एंट्री किया और मेरे को एक फोटो खींच के अपने कंप्यूटर पे मेरे फोन से एक फोटो खींच के मेरे को दे दिया जिसमें गाड़ी के डिटेल्स थे। उसके बाद बोला कि आप गाड़ी में बैठो और जो पैसेंजर्स हैं वो आगे जाके स्टैंपिंग करने चले गए हैं, तो 3 लोग जो गाड़ी के ड्राइवर्स हैं वो अभी गाड़ी में ही बैठे हैं। तो अब मेरे पास क्या क्या कागज है, तो मेरे पास पासपोर्ट है, ये छोटी सी स्लिप है जो मैंने आपको दिखाई, मेरा वीसा है, गाड़ी का आरसी है और एक फोटो है मेरे फोन के अंदर जो उस बंदे ने अपने कंप्यूटर से मेरे को खींच के दी, तो जिसमें गाड़ी का नंबर और चेसी नंबर, आज का टाइम और आज की डेट लगी है। यहाँ गाड़ियां लाइन से खड़ी हुई थी क्योंकि आगे गाड़ियां चेक होती हैं, तो वहां जहाँ चेकिंग होती है वहां भीड़ ना हो जाए इसलिए वो पहले गाड़ियों को यहाँ रोकते हैं, जब वहां खाली हो जाती है जगह फिर यहाँ से एक बैच में गाड़ी को छोड़ देते हैं। तो अभी मैं बस करीब आ गया हूँ, अब अगले बैच में मेरे को छोड़ेंगे। रोहित की गाड़ी पहले ही आगे चली गई है, क्यों गई है वो मालूम नहीं, उसको इंस्पेक्टर लाइन से अलग निकाल के आगे ले गया, या तो उसको स्पेशल वो दी जा रही है प्रिविलेज या उसकी फिर ली जा रही है, दोनों में से कुछ एक हो रहा होगा। और जो हमारे को पैसेंजर्स हैं उन लोगों का वीसा हो गया है, मतलब वीसा नहीं हो गया मतलब स्टैंपिंग हो गई है, जो ड्राइवर्स 3 हैं उनकी स्टैंपिंग नहीं हुई, अभी हम गाड़ी में बैठ के वेट कर रहे हैं। और मेरे पास सारे कागज चेक करूँ ना, बार बार लगता है यार कोई कागज खो ना जाए, तो हाँ कागज सारे मेरे पास हैं। अभी जब मैं लाइन में वेट कर रहा था तो एक लड़का मेरे आगे था अपनी गाड़ी में, तो उसको इंग्लिश भी अच्छे से आती थी और उसको उज्बेक भी आती है, कजाक भी आती है, तो वो पता है क्या बोल रहा है, उसका बिजनेस क्या है, मैंने पूछा, वो 3 साल वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, तो वो रोज कजाक जाता है, वहां से 200 लीटर पेट्रोल अपनी गाड़ी में भर के लेके आता है और यहाँ आके बेच देता है। उसने जो बोला आप कितना सच है वो नहीं बोला, कहते वहां पे 1 लीटर $1 में आता है और यहाँ $3 में बिकता है,
तो डेली वो 200 लीटर पेट्रोल लेके आता है कजाक से और उज्बेक में बेच देता है। तो ये अच्छा बिजनेस है। अब मेरे को मालूम नहीं कि सच में उज्बेक में इतना महंगा है क्या पेट्रोल, तो आज कल सुबह पता करते हैं हम कि वहां पे पेट्रोल और डीजल का रेट क्या है। और यहाँ की करेंसी है सोम। सोम को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 0.0066 से डिवाइड करना है, 0.0066 से। तो अभी मैंने ट्राई किया तो एक सोम एक इंडियन रुपी 151 सोम के बराबर है। तो सॉरी मैं ना उल्टा बोल गया हूँ, इंडियन रुपी को सोम में कन्वर्ट करने के लिए 0.0066 से डिवाइड करना है। तो अगर 1 को आप 0.0066 से डिवाइड करेंगे तो 151 आएगा। तो इसका मतलब इंडियन करेंसी सोम के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ के जो नोट होंगे मैं मान के चल रहा हूँ उसके अंदर लिखा होगा 1000 सोम, 10000 सोम, 100000 सोम, ऐसे करके होगा वो। और यहाँ कजाक की करेंसी नहीं चलेगी, कहता सोम की करेंसी चलेगी, आप विदड्रॉ कर लेना। और ये बी लाइन का जो मेरा वो है क्या है सिम है वो भी नहीं चलेगा, कहते यहाँ का नया सिम ले लेना, लेकिन अगर आप कल वापस जा रहे तो सिम लेने की जरूरत नहीं, आपको बहुत वाईफाई मिलेगा। तो ये बंदे को इंग्लिश आती थी तो बहुत बढ़िया प्राइम से बात हुई। अभी वो मेरे आगे था लेकिन उसका बैच में निकल गया, उसकी गाड़ी आगे चली गई है, मैं अभी लाइन में वेट कर रहा हूँ। मेरे आगे एक गाड़ी है शेवरले की और उसके बाद मैं भी पहुंच जाऊंगा जहाँ रोहित है। सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद अब हम उज्बेकिस्तान में एंटर करने वाले हैं, तो क्या डिटेल्स हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। हम उज्बेकिस्तान में एंटर कर चुके हैं, इस समय रात के 10:45 हैं। 7:30 हम आ गए थे तो 7:30, 8:30, 9:30 दो घंटे हमें लगे, क्योंकि यहाँ ना बहुत ड्रग्स आती हैं कजाकिस्तान से, तो लोकल गाड़ियों को तो ये बहुत खतरनाक तरीके से चेक करते हैं। हमें फिर भी उन्होंने रियायत दे दी, क्योंकि हमारा सामान अगर निकालते तो बहुत ज़्यादा सामान होता। तो वो प्रोसेस क्या है वो थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। उज्बेकिस्तान का मैंने कजाकिस्तान का मैंने बता दिया था, उज्बेकिस्तान का मैंने आधा बताया था, बाकी भी अभी मैं बताता हूँ। हैरेसमेंट कुछ नहीं थी, टाइम लग रहा था, यहाँ एटीएम मशीन काम नहीं कर रही है। लोग सोम करेंसी आप ले सकते हो, सिम भी ले सकते हो, क्योंकि कल हम वापस जा रहे हैं तो मैं अभी सिम नहीं ले रहा हूँ, मैं अपने होम डेटा से काम चला लूँगा। और ये बस आ गई है, शायद हमें आगे जाना पड़ेगा, बस उधर से उधर लग जाएगी। और ये हमारे जो बाकी पैसेंजर्स हैं ना वो हमें मिल नहीं रहे हैं, कहाँ चले गए हैं, तो अब देखना पड़ेगा। बाकी तो सब ठीक है, हम यहाँ से फ्री हैं, अब ताशकंद जा सकते हैं, लेकिन जो ड्राइवर से हम तो यहाँ पे हैं, बाकी जो हमारे को पैसेंजर से वो उनका कोई अता पता नहीं है, ना उनका कोई फ़ोन लग रहा है, तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम वाला हिस्सा हो गया है। अच्छा यहाँ से तो सड़क बंद है, नहीं यहाँ से निकलने का रास्ता है, तो यहाँ से हम निकल जाएंगे, लेकिन अब बाकी लोग आए जभी तो काम बनेगा। रोहित भाई जी कहाँ हैं बाकी लोग? फोन ही तो कर रहे, नहीं लग रहा किसी को, फोन ही नहीं लग रहा है। देखो और ये देखो हमारा रोहित भाई वापस आ गया ग्रुप में हमारे साथ, बहुत खुशी है। पहले दिन ना बड़ा कंफ्यूजन हो गया था, मैं भी नाराज था, लेकिन अभी देखो इसके भी चेहरे पे मुस्कान है, मेरे भी है, कोई बात नहीं, गिले शिकवे सब दूर, हम फिर से दोस्त। अगर पहले भी थे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था कि ये हमको ग्रुप में छोड़ के चला गया, और खासकर इसके जो गाड़ी के पैसेंजर थे वो तो बहुत टेंस थे। तब तक छोड़ के नहीं जाऊंगा, तब तक लंदन नहीं पहुंच जाता। ये देख लो रोहित ने वादा कर दिया है, कोई जाए ना जाए, देखो देखो पार्टिसिपेंट जा सकते हैं, ऐसे खींच खाच के नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सबको बोल रहा हूं, चाहे आदमी हो नहीं नहीं, मैं सबको बोल रहा हूं, लंदन कमेंट्स में भी आ रहे हैं, देखो पार्टिसिपेंट्स आर फ्री टू गो। हाँ मैं भी जाना चाहूँ तो आप क्यों मेरे को मना करोगे, जाओ जिसको जाना है, लेकिन ऑर्गेनाइजर को नहीं जाना चाहिए, बस मेरा यही कहने का मतलब था। तो देखिए मैं जहाँ गया था, नहीं पहले दिन हमें कंफ्यूजन हो गया था, देखो कि आप चले गए, सबको डर लग गया था, लेट में आए थे ना बाकी लोग, नहीं नहीं मेरे को छोड़ो ना, आपके जो को पैसेंजर्स हैं उनको नहीं पता, मैंने उनको देखा ना कितना डर गए थे, को पैसेंजर्स उनका अलग कुछ है। हाँ चलो पता था बट वो बताना नहीं चाह रहे, जो भी था तो उन्होंने तो अपनी टिकट भी बुक करने की बात करनी शुरू करती थी वापस जाने की, तो इसलिए। और दूसरा वो जो लोगों ने कमेंट लिखने शुरू कर दिए थे कि दोनों गायब हो गए, टिकट तो मैं बुक करा रहा था तो इन्होंने नहीं करवाने दी। हाँ ये तो चलो अच्छा हो गया। अच्छा उसका कुछ पता लगा अपने पैसेंजर का जो रह गया है? कुछ नहीं पता, वो फोन किया था बॉर्डर पे था। अच्छा चलो अब एक ही टेंशन रह गया कि हमारे को पैसेंजर्स कहाँ हैं, ढूंढो ढूंढो को पैसेंजर्स कहाँ हैं, ढूंढो ढूंढो। दोस्तों अब बजे हैं रात के 10 और हम अब ड्राइव कर रहे हैं उज्बेकिस्तान में, जा रहे हैं ताशकंद। तो वहाँ बॉर्डर पे क्या हुआ वो मैं आपको काफी बता भी चुका हूँ। तो सबसे पहले हो सकता है ये रिपीट भी हो गया, क्योंकि मैं भूल गया हूँ कि मैंने आपको पहले क्या बताया था, तो हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन रिपीट हो जाए। तो जब हम उज्बेकिस्तान में घुसे हमें एक छोटा सा पेपर स्लिप दे दिया, रफ कागज का फटा हुआ, एक पीछे उल्टा सीधा कुछ रफ कागज था, आगे 3 खाने बने हुए थे, उसको लेके हम आगे आ गए। आगे आने के बाद क्या हुआ, आगे आने के बाद मैं पहले गाड़ी को यहाँ पार्क करता हूँ, फिर हम आए तो ये जो पैसेंजर्स थे वो अलग लाइन में चले गए इमिग्रेशन के लिए, और हम गाड़ी में बैठे रहे और फिर गाड़ी लेके हम आगे आए। वहाँ पे उन्होंने गाड़ी को रोका हुआ था,
और बैचेस में हमें आगे जाना था, तो लेफ्ट में मैंने गाड़ी का आरसी दिया और उन्होंने उसकी एंट्री करके मेरे फ़ोन से एक फ़ोटो खींच के मेरे को दे दिया। ये बात शायद मैं आपको बता चुका हूँ, रिपीट हो रही है ये। उसके बाद हम वहाँ वेट करते रहे, फिर वो बैचेज में गाड़ी को आगे छोड़ रहे थे। फिर जब मेरा नंबर आया मैं आगे गया, वहाँ जाके फिर उन्होंने गाड़ी को थॉरली चेक किया। अब हमारा ज़्यादा चेक नहीं किया, हम लोगों से वो काफ़ी खुश हो गए थे, इंडियंस हैं, नमस्ते सब बोलते हैं। हाँ मेहमान, तो फिर वहाँ पे जाके मैं गाड़ी को रोक लूँ, मेरे को पैसेंजर को बात करने जाना है रोहित से। ये वो चला गया है, ये रहा रोहित, वो भी अपना वीडियो बना रहे कर रहा है, रोहित नहीं कर रहा है। तो उसके बाद वहाँ पे जब वो मेरे को उन्होंने एक फ़ोटो खींच के दे दिया, फिर मैं वहाँ वेट करता रहा। फिर जब उन्होंने बैच को छोड़ा तो पांच छह गाड़ियों को एक साथ छोड़ते हैं जिससे कि चेकिंग वाली जगह पे भीड़ ना हो जाए। फिर वहाँ पे जाके उन्होंने गाड़ी को चेक किया, गाड़ी को चेक करने के बाद वो जो पहली स्लिप मिली थी उस पर दो जगह उन्होंने स्टैंप लगा दी। फिर उसको लेके मैं साइड के विंडो पे गया और वहाँ पे मेरा पासपोर्ट का इमिग्रेशन हुआ, तो वहाँ पे मेरी अंदर उज्बेकिस्तान घुसने की मेरी स्टैंप लग गई और ई वीसा तो मेरे पास ही है, उन्होंने देखा और वो अभी तक मेरे पास है। फिर उसके बाद जब मेरा स्टैंप लग गया उसके ऊपर और गाड़ी की चेकिंग हो गई, वो जो छोटी सी गंदी सी स्लिप मिली थी उसके ऊपर दो स्टैंप लग गई, उसको लेके फिर मैं एक और विंडो पे गया। वो एक ही लाइन में तीन विंडोज है, वहाँ पे उसने फिर वो मेरा फ़ोन का फ़ोटो देखा और वो पेपर लिया और उस पेपर के ऊपर उसने एक तीसरी स्टैंप मार दी। तीन खाने थे ना, तो तीसरी स्टैंप मार दी और उसके बाद बगल वाली विंडो पे जाके मैंने 1000 कज़ाक कैश पे किया। वो ऑटोमेटिकली रिसिप्ट में आ जाता है, उन्होंने अलग से कोई मेरे को रिसिप्ट नहीं दिया। वो लेके फिर मैं वापस उसी विंडो पे गया क्योंकि जिसने मेरे को तीसरी स्टैंप लगाई थी उसने पासपोर्ट और वो स्लिप अपने पास ही रखी थी। तो फिर मैं उस विंडो पे गया, मैंने बोला मैंने पेमेंट कर दिया, तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट, वो स्लिप जिसपे तीन स्टैंप लग चुकी थी और मेरा आरसी मेरे को वापस कर दिया। फिर हम फ्री थे जाने के लिए, जैसे आगे गए तो फाइनल गेट था, वहाँ पे जो कस्टम वाला बंदा था उसने वो छोटी वाली स्लिप रख ली, पासपोर्ट चेक किया और बोला आप जाओ यहाँ से, घुस जाओ हमारी कंट्री में, यू आर वेलकम। फिर आगे जाके वहाँ पूरी मार्केट थी, वहाँ पे लोग सोम करेंसी कन्वर्ट करने के लिए थे। फिर हम ढूंढने लगे, हमारा फ़ोन काम नहीं कर रहा था, फिर हम ढूंढने लगे कि हमारे को पैसेंजर्स कहाँ हैं। खैर 10 मिनट के अंदर वो को पैसेंजर्स खुद ही हमारे पास आ गए। हमने थोड़ा सा एक आलू का पफ खाया, 4000 रुपये में हमें तीन मिले, तो 4000 सोम में, सोम को एक सोम वन नहीं वन इंडियन रुपी 151 सोम के बराबर है। और उसके बाद अब वो सब गाड़ी में बैठे हैं और हम आप देख ही रहे हैं, इस समय हम उज्बेकिस्तान में अंदर गाड़ी चला रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में 7:30 बजे हम घुसे थे उज्बेकिस्तान में, 8:30-9:30 2-2.25 घंटे लग गए, जिसमें गाड़ी हमारी बहुत ज़्यादा थॉरली चेक नहीं की। अगर गाड़ी हमारी थॉरली चेक करते तो हमें और बहुत ज़्यादा समय लगता, तो वो आप समझ ही जाएंगे सब लोग मदद किया क्यों मदद किया। और अब हम ताशकंद जा रहे हैं जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है और होटल में चेक इन करेंगे। तो ये है सब आज की कहानी, मैंने बहुत ही थॉरली आपको कजाकिस्तान से एग्जिट और उज्बेकिस्तान में एंट्री का वो दे दिया क्योंकि वहाँ फोटोग्राफ्स खींचना मना है, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं खींची हैं। तो इस समय हम उज्बेकिस्तान में चल रहे हैं और यहाँ उतना क्या कहते हैं लोग ट्रैफिक फॉलो नहीं कर रहे हैं जितना कि अभी कजाक में था। तो यहाँ गाड़ी चलाने में ऐसा लग रहा है जैसे हम इंडिया में गाड़ी चला रहे हैं, फराटेदार लोग लेन भी चेंज कर लेते हैं और शहर ये भी अच्छा लग रहा है, नीट एंड क्लीन। तो यहाँ करेंसी का मैंने आपको बता ही दिया है और डीजल और पेट्रोल की प्राइस कल बताऊंगा, जब भरवाएंगे या नहीं भी भरवाएंगे तो भी मैं फ्यूल पंप में जाके आपको बताऊंगा कि यहाँ का कितने में एक लीटर आता है डीजल और पेट्रोल। और अभी हम ताशकंद पहुंचने ही वाले हैं क्योंकि शायद 16 किलोमीटर था बॉर्डर से ताशकंद, तो रोहित ने वहाँ कोई होटल शॉर्टलिस्ट किया है लेकिन ना होटल में बात नहीं हो पाई क्योंकि कॉल नहीं जा रही थी। यहाँ अभी हमारा होम डेटा चल रहा है अब, क्योंकि जो कजाक वाला बी लाइन वाला सिम है वो नहीं चल रहा है अब, तो सिर्फ हमारा मेरा जियो का होम डेटा चल रहा है, कुछ लोगों का एयरटेल होम डेटा चल रहा है, लेकिन वो जो होम डेटा चल रहा है वो भी मरा मरा सा चल रहा है, उसमें मतलब कोई स्पीड नहीं आ रही है। तो इस समय हम तीन गाड़ियां आपस में वॉकी टॉकी से कनेक्शन में हैं और लाइन ऑफ साइट में हैं क्योंकि कोई भी गाड़ी आगे पीछे हो गई ना तो रास्ता
ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अभी तो होटल का नाम भी नहीं पता है, बस ये पता है कि ताजगंज जाना है। अगर आप, मैं आगे पीछे रह गया, सबसे पीछे मैं हूँ, बीच में शाह है, सबसे आगे रोहित है, तो इसलिए अब गाड़ी को बम्पर टू बम्पर चिपका के बड़े अलर्ट चलाना पड़ रहा है जिससे आगे पीछे ना हो जाए। आगे पीछे हो गए तो थोड़ी टेंशन हो जाएगी, क्योंकि फोन पे भी नहीं बात होगी ना। तो ये शहर देखिए दोस्तों, अब फिर से एक रेड लाइट आ गई है, तो जब हम उज्बेकिस्तान में घुसे थे कस्टम क्लियरेंस के बाद, तो बाहर तो हमें एक ऐसा लग रहा था कि वो ISBT है अपना दिल्ली का, वैसे भीड़, वैसे ठेले वाले लोग बुला रहे हैं आपको सोम करेंसी देने के लिए, ATM काम ही नहीं कर रहे थे। मेरे को तो ऐसा लग रहा था ATM वाले जानबूझ के ATM बंद करके रखे हुए, जिससे कि आप बाहर जो लूज सोम आपको कन्वर्ट करके दे रहे हैं और कमीशन, उनका माल काम चले। तो दो ATM थे, दोनों ATM नॉन फंक्शनल। दारू पी रहे उसके बाहर बैठ के हमें भगा दिया वहाँ से। ये बता रहे हैं कि उसके बाहर बैठ के उसके जो कर्मचारी थे और वहाँ पे बैठ के दारू पी रहे थे। अब वो कितना सच है नहीं है मेरे को नहीं मालूम, सच में दारू पी रहे थे या कुछ और पी रहे थे, लेकिन हाँ ATM नॉन फंक्शनल था ये सच है इतना। भाई कितना दूर रह गया है, 10:30 बज गए हैं, थक गया हूँ मैं बहुत ज्यादा सुबह से ना, 6:30 के चले हुए हैं, चले तो 7:30 थे, मतलब मैं उठा हुआ 5 बजे का हूँ, 4:45 का वो भी। मेरे को लग रहा है हम ताशकंद आ गए हैं। दोस्तों सबको पता ही होगा ताशकंद क्यों आपके जहन में क्या याद आता है ताशकंद का नाम सुन के, सोचिएगा मेरे को बताइएगा कि ताशकंद का नाम आते ही आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आया। तो आज का भी व्लॉग सुबह आपको 8 बजे मिल जाएगा। आज के व्लॉग में जो हाईलाइट है वो सिर्फ बॉर्डर एक्सपीरियंस है, कजाक से निकलना और उस बेक में घुसना। तो कजाक से निकलने में हमारा एक भी पैसा नहीं लगा, उस बेक में एंटर करने के लिए हमारा 1000 कजाक मनी लगा, विच इज लेस देन 200 रुपीज इन इंडियन करेंसी। थोड़ा बहुत और भी लगा स्पीड अप होने के लिए प्रोसेस को। मिलते हैं फिर होटल में, एक बारी पहुंचने के बाद मैं आपको होटल दिखाता हूं, होटल का नाम बताता हूं और अपना रूम दिखाऊंगा। ये शहर भी ताशकंद अच्छा लग रहा है काफी। सामने देखो कितना बड़ा वो TV लगा हुआ है, उस पर एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, और हमें यहां से लेना है, कुछ भी नहीं लेना, सीधा ही लेना था। लेन में तो ऐसे आया था रोहित कि हम टर्न लेंगे। अब शायद होटल आने वाला है, क्योंकि इससे भी बोला था 3 मिनट दूर है। चलो रात में आने से ना ट्रैफिक थोड़ा कम है, मैनेज हो रहा है। फिर से रेड लाइट आ गई है, ये वाली लेन सीधे जाने के लिए भी है, राइट जाने के लिए भी है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, हम करेक्ट लेन में हैं। अभी रात में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मेरे को लग रहा है कि दोनों तरफ काफी पेड़ है, ग्रीनरी है, और ये थोड़ा ना इंडिया की तरह ही लग रहा है, मतलब बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है या बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड नहीं है, ठीक ठीक है। तो जो दिल्ली में आपके पॉश एरियाज है ना, उसकी तरह लग रहा है, जैसे एक नॉर्थ प्लेस के आसपास हम है। यहाँ पे टाइमर्स नहीं चल रहे, देखो रेड लाइट्स पे, और टाइमर बहुत ही कन्वीनियंट रहता है यहाँ पे, मैंने एक भी रेड लाइट पे टाइमर नहीं देखा अभी तक। जियो का मेरा फोन होम डेटा वाला उज़्बेक यूसेल से कनेक्ट हुआ है, उज़्बेक यूसेल अभी काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो अभी मेरे को नहीं पता लग रहा है। वो होटल जाके मैं चेक करूंगा कि मेरा होम डेटा चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ और काफी मेरे को कंसंट्रेशन से गाड़ी चलानी है। अरे वाह देखो कितनी चौड़ी सड़क आई है, 6 लेन्स हैं इसमें, 3 लेन्स हमारी जाने की हैं, 3 लेन्स दूसरी तरफ से, और काफी लेफ्ट और राइट में ना मेरे को पार्क्स नजर आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े, तो ये तो लग रहा है यहाँ की टॉप एंड स्ट्रीट लग रही है मेरे को।
तो ये धीरे कर लिया अपनी गाड़ी, लेफ्ट में जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना ऐसी कोई ग्रैंड सी बिल्डिंग है। अभी क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, तो मैं अभी आपको कैमरे को उधर नहीं कर रहा हूँ। अरे क्या ये होटल आ गया हमारा, क्या मस्त होटल लग रहा है। ये खोल दिया होटल वाले ने बैरियर, ये होटल लग गया, ये तो बहुत ही सही लग रहा है। यहाँ लगी है 3 डबल डेकर्स, और ये मेरे को लग रहा है कि ये, अरे ऊपर वाली डबल डेकर ना उसमें विंडो नहीं है, मतलब ग्लासेस नहीं है। क्या ये लोकल शहर घुमाने के लिए है? 1 2 3 रेड कलर की है ये, वही बस है। होटल ग्रैंड, काफी ग्रैंड लग रहा है। चलो देखते हैं, अभी एक बैरियर और आ गया है। गाड़ी को पार्क किया जाए, यार वहां पार्किंग थी तो फिर इतना क्यों ये घुमा के ले आया गाड़ी को। चलो ठीक है, इतना रोशनी क्यों नहीं दिख रही गाड़ी में। यार ये हाइलेक्स की हेडलाइट बहुत वीक है, दिल्ली जाके इनकी हेडलाइट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये बदल जाती है और कोई नहीं, सील्ड है, बदली नहीं जाएगी, एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाऊंगा। तो दोस्तों अभी बजे हैं रात के 10:40 और हमारा डिस्टेंस हुआ है 804 किलोमीटर। सुबह 7:30 हम चले थे अलमाटी से और अभी 10:40 पे हम पहुंच गए हैं अपने होटल उज्बेकिस्तान। होटल का वो देखिए आप, होटल मेरी यार गर्दनी ऊपर चली गई, उज्बेकिस्तान। तो क्या लाइट लगाई है यार, मस्त लग रहा है। इसके ऊपर यार हमारी गाड़ी की फोटो चले तो कितना अच्छा लगेगा। फाइनली हम अपने होटल पहुंच गए हैं। तो अभी ये अपना होटल नहीं है भैया, होटल तो किसी और का है। रोहित कह रहा है फाइनली हम अपने होटल पहुंच गए, और अभी पता है हमने बुक भी नहीं किया हुआ ये होटल। तो अभी है इसमें रेनोवेशन चल रही है क्या? ये बाहर तो यार कैसा होटल है, इतना बड़ा होटल और बाहर ये देखना पूरा कारपेंट्री का सामान रखा हुआ है। तो ये हम घुस गए हैं होटल में, खुल जा सिम सिम खुल गया। और इसका रिसेप्शन किधर है? वेयर इज द रिसेप्शन? रिसेप्शन इज हियर। तो यहाँ पे रिसेप्शन है यार, इन्होंने यार ये देखो खतरनाक वो सब किया हुआ है। ये पानी की दीवार चल रही है, चूंकि देखो मैं इसके अंदर से उंगली जाएगी। तो ये आ गया आपका एक खूबसूरत रिसेप्शन, होटल बहुत बड़ा है ये। क्यों क्यों बंद कर दें? फ्री वाईफाई। अरे दोस्तों देखो, उज्बेकिस्तान में यहाँ लगता है कोई सेमिनार है या कुछ है, इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है सारे, जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसलिए शायद हमें यहाँ रूम नहीं मिला है। और ये होटल में $65 में एक रूम था दो लोगों के लिए इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, लेकिन वो सारा बुक्ड है। तो इन्होंने पास में एक होटल बताया लीग्रांड या समथिंग लाइक दैट, वो यहाँ से 4 मिनट का ड्राइव है। वो होटल थोड़ा महंगा है क्योंकि वो इससे भी अच्छा है, वहाँ $90 बताया है फॉर 2 विद ब्रेकफास्ट। तो हमने 5 रूम्स उनको होल्ड करने के लिए बोल दिया, तो उन्होंने बोला 1 आवर तक वो आपके लिए होल्ड रखेंगे, हम तो खैर 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो रोहित का इंटरनेट चल रहा है, उसने वो लगा दिया उसके अंदर गूगल मैप, और ये हम आ गए अपनी गाड़ियों के पास। तो बहुत दिनों के बाद अपने देश का झंडा देख के अंदर से दिल खुश हो गया। तो अब हम गाड़ियों में बैठते हैं और नए होटल की तरफ चलते हैं। ये भी देखना तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ ये होटल बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर से लाइट्स तो बड़ी अच्छी हैं। अरे लोकेशन तो सबसे ग्रैंड है, लोकेशन सबसे ग्रैंड है। और लेकिन ये होटल के रिसेप्शन वाले जो दोनों बंदे थे खूब बढ़िया इंग्लिश बोल रहे थे, उन्होंने दूसरे होटल में फोन करके रेट भी पता किया और बोला हमारे लिए 2-5 रूम्स रखने के लिए भी, क्योंकि वो होटल महंगा है। तो शायद मेरे को लग रहा है ये होटल इसलिए भी बुक्ड है क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ सेमिनार चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज के फ्लैग लगे हुए थे इसमें। और क्या ये रास्ता है? तो रोहित का मैप चल रहा है। ये दूसरा होटल है जिसके अंदर उन्होंने हमारे लिए रूम ब्लॉक कराए हैं, ली ग्रैंड प्लाजा। और ये बाहर अभी ना लाइट जल रही है, आपको नहीं दिखा पाया, तो बाहर लिखा हुआ है राज कपूर इंडियन रेस्टोरेंट। तो दोस्तों इस होटल के बाहर ही आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा, और यहाँ पे ये, लेकिन जो चहल पहल और जो लाइट्स उस होटल में थी वो इस होटल में नहीं दिखाई दे रही हैं। ये तो बड़ा शान सा होटल है। वी आर चेकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द रूम हेयर। होटल ली ग्रैंड में $80 विद ब्रेकफास्ट फॉर 2 हमको ये रूम मिला है, और वो भी थोड़ा सा हैगलिंग डिस्काउंट के बाद। तो रूम आपने देख लिया, इसमें ज्यादा
ठीक है, ये साइड में क्या बना हुआ है ये समझ में नहीं आया। तो दो स्प्लिट बेड्स हैं एज यूजुअल, टीवी लगा हुआ है जो हमने कभी ऑन नहीं किया, और ये एक वॉशरूम है। तो ये होटल कुछ ऐसा नहीं है कि स्पेशल है, जो इससे पहले हम गए थे वो होटल बहुत अच्छा था और लेकिन वो हमें मिला नहीं। ये होटल तो ऐसा लगता है खाली पड़ा है, यहाँ कोई नहीं है। तो दोस्तों अभी मैंने आके फटाफट पैक फूड खाया, 12:30 बज गए हैं, मैंने वीडियो भी एडिट कर ली थी रास्ते में, गाड़ी में बैठे बैठे थोड़े बहुत क्लिप्स अभी डाल के वीडियो रेडी हो गई है। मैं इसको रेंडिंग और अपलोडिंग के लिए लगा देता हूँ और फिर सोने की तैयारी करता हूँ। सुबह मैं आपसे मिलता हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं। तो सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि और सबको राम राम। मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग में।